हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सीक्रेट इंटरनेशनल। तो आज मैं आपके पास एक लेके आया हूँ वीडियो, जिसके बारे में मैंने पोस्ट में भी डाला था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने यस में वोट किया और ये वीडियो है एमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में। मैनी ऑफ यू माइट नो इट, बट ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि ऐसी भी कोई फैसिलिटीज़ होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। उनको ये एकदम नहीं पता है कि ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है। तो एमरजेंसी अपॉइंटमेंट होता क्या है और एक्सपेडाइट अपॉइंटमेंट क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका प्रोसेस है, और आप कितनी बार इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या, कैसे कैसे और क्यों होता है। सो वॉच टिल एंड, डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दे हो। अगर आप कमेंट करते हो, आई फील वेरी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिए ऐसा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। तो जब से पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक की वजह से जो स्लॉट्स हैं, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होने लग पड़े हैं। बहुत लोगों को नहीं मिल रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहे, इवन अब भी नहीं मिल रहे हैं। ऑल द वीज़ा कैटेगरीज आर स्ट्रगलिंग टू गेट द वीज़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट। तो उसके अगर जिसको स्लॉट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है। अगर मान लो आपको अर्जेंटली जाना है, यूएस में ट्रैवल करना है, यू हैव द वेरियस रीज़न, आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, आपका कोई और रीज़न है, यू हैव वेरियस रीज़न टू एंटर द यूएस अर्जेंटली, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हो। सो देयर इज़ अ ऑप्शन, यू कैन गो फॉर द एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। अब आप पूछोगे एमरजेंसी अपॉइंटमेंट क्या होता है। एमरजेंसी अपॉइंटमेंट या फिर एक्सपेडाइट अपॉइंटमेंट एक ऑप्शन दिया गया है यूएस एम्बेसी की तरफ से, दैट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द एमरजेंसी अपॉइंटमेंट, देर इज़ अ क्राइटेरिया फॉर एमरजेंसी अपॉइंटमेंट, इफ़ यू आर अंडर दिस क्राइटेरिया यू कैन गो फॉर द एमरजेंसी अपॉइंटमेंट, यू कैन रेज द एमरजेंसी रिक्वेस्ट। ओके, सो इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय द यूएस एम्बेसी, यू विल गेट अ अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड डेट। ओके, सो तो बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एटलीस्ट वन स्लॉट होना चाहिए, और वी कैन से इट अ प्लेस होल्डर स्लॉट। तो प्लेस होल्डर स्लॉट वो होता है जो आपकी डेट्स में, जो मतलब कि आपके अपॉइंटमेंट में काम नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो स्लॉट होता है जो आपकी एमआरवी फीस पे होने के एक साल के बाद होता है। मोस्टली इट इज़ अवेलेबल इन नेक्स्ट ईयर, फॉर इंस्टेंस इन दीज डेज इट इज़ अवेलेबल इन 2023। तो जितने भी 2023 में स्लॉट्स हैं, दीज आर जस्ट प्लेस होल्डर्स टू रेज द एमरजेंसी रिक्वेस्ट। तो प्लेस होल्डर स्लॉट बुक करना होता है अगर आपको एमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज करनी है। एमरजेंसी रिक्वेस्ट तभी आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है जब आपके पास एटलीस्ट सिंगल स्लॉट अवेलेबल हो, वो कोई भी डेट का हो, इट डजेंट मैटर, चाहे वो एक साल आगे का हो, सिक्स मंथ आगे का हो, थ्री मंथ्स आगे का हो, एटलीस्ट यू मस्ट हैव वन स्लॉट बुकड बाई योर सेल्फ और स्कड्यूल्ड बाई योर सेल्फ। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जब आप एमरजेंसी अपॉइंटमेंट रेज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट इज़ इफ़ यू हैव बीन रिफ्यूज्ड रिसेंटली विद इन द लास्ट सिक्स मंथ्स। अगर आप पिछले छः महीने में आप रिफ्यूज़ हुए हो किसी भी वीज़ा में, यू कैन नॉट रेज योर एमरजेंसी रिक्वेस्ट। इसके अलावा अगर आपकी जो रिक्वायर्ड डेट है उससे चाहे एक दिन पहले का भी आपके पास स्लॉट हो, इट डजेंट मैटर टू एम्बेसी, यू विल बी रिजेक्टेड। ओके, मान लो कि आपका जो स्लॉट है, यू हैव अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू हैव टू फ्लाई ऑन फिफ्थ ऑफ जुलाई। ओके, तो आपके पास फोर्थ ऑफ जुलाई की अपॉइंटमेंट बुकड है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे थोड़ी अर्लीयर की अपॉइंटमेंट मिल जाए, सो डैट कि आप थोड़ा इजीली आप उस प्रोसेस को, आपके वीज़ा को, इंटरव्यू को जो टाइम चाहिए वो आपको उस टाइम पे मिल जाए। बट अगर आप उस टाइम पे अपनी रिक्वेस्ट रेज करोगे तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी अपॉइंटमेंट डेट 10 जुलाई हो या 12 जुलाई हो, तब आप रेज कर सकते हो। आई मीन टू से कि जो भी आपकी डेट अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स ऑफ ट्रैवल, जो भी आपकी डेट है, अगर आपकी एक दिन भी उससे पहले की है, तो प्लीज़ एमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज ना करें, इट विल बी रिजेक्टली फॉर श्योर। उसके बाद की अगर आपके पास डेट बुकड है तो ही आप रेज करें, सो डैट कि आप उसको एक्सपेडाइट में कन्वर्ट कर सकें। अगर पहली वाली डेट पर आप बुक करते हो तो इट विल बी डेफिनेटली रिजेक्टेड बाई द एम्बेसी।
तो मैं ये मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का है जिन्होंने मेरे से स्लॉट बुक करवाया था। उनको एमरजेंसी है, कोई मेडिकल रीज़न है, उसके लिए वो एमरजेंसी स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये उनकी अपॉइंटमेंट बुकड है। वो काफ़ी देर से आप खुद भी ट्राई कर रहे थे, उनसे नहीं हुई थी, इसलिए फिर उन्होंने मेरे को दिया, देन आई बुक द स्लॉट फॉर देम। तो बिकॉज उनका एमरजेंसी रीज़न था, इसलिए उनको अर्जेंट डेट चाहिए थी, अदरवाइज स्लॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमरजेंसी रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट के नीचे शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये सिर्फ उसी का होता है जिसका अपॉइंटमेंट बुक हुई होती है, एटलीस्ट कोई एक अपॉइंटमेंट बुक हुई होती है। तो यहाँ पे आपकी सारा एलिजिबिलिटी आ जाएगा कि कौन कौन से कैटेगरी, कौन कौन से सिचुएशन में आपको जो है आप एलिजिबल हो एमरजेंसी रिक्वेस्ट के लिए। तो सबसे पहले ESTD आता है, फिर आता है स्टूडेंट्स के लिए, फिर आ जाता है बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल के लिए, फिर आता है फ्यूनरल और डेथ के लिए, देन आता है मेडिकल रीजंस के लिए। ओके, ये पांच कैटेगरीज होती है। ESTD ये हमारा अप्लाई नहीं होता इंडिया में, ये बाकी कंट्रीज़ के लिए होता है, हमारी कंट्री में नहीं होता। तो ये आपने पहले पढ़ लेना है ना। तो अगर आपको पूरा क्लियर नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो आप इस पेज पे आके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप इस कैटेगरी के अच्छी तरह फॉलो करते हो, आप एमरजेंसी रिक्वेस्ट के अंडर फॉलो करते हो कि नहीं फॉलो करते हो। तो फॉर इन डेप्थ डिटेल यू कैन क्लिक ऑन दिस एमरजेंसी रिक्वेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन योर लॉगिन आईडी एंड देन चेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट कैन मेक यू एलिजिबल फॉर द एमरजेंसी रिक्वेस्ट। ओनली देन यू नीड टू गो फर्दर फॉर योर रिक्वेस्ट। ओके, मेक श्योर यू चेक ऑल द पॉइंट्स फॉर द एमरजेंसी रिक्वेस्ट। आई मीन If you are eligible for this, you need to click here. मेंशन किया हुआ है लास्ट पे लिंक उन्होंने, फिर आपका ये रिक्वेस्ट फॉर्म खोलेगा। तो सबसे पहले आएगा टेंटेटिव ट्रैवल डेट, तो ये आपने फिल करनी है जो आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग है, अप्रॉक्सीमेटली जो डेट है जिस दिन आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने उस जो सब्सक्राइबर है उसका मैंने फिल कर दिया हुआ है, सारे डिटेल्स डाल दी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। ओके, सबसे पहले टेंटेटिव ट्रैवल डेट वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन केस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, ये आपकी क्लास जो आपका सेमेस्टर स्टार्टिंग डेट है वो होगी। उसके बाद आपका रीज़न आएगा, रीज़न आपके पांच सिलेक्शन है, पांच में से आपने कोई सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया में ये एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। फिर आपने एक्सप्लेन करना है अपना रीज़न कि क्यों आपको चाहिए एमरजेंसी, जो आपको अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए। ओके, उसके बाद आपके निजी ऑप्शंस आते हैं कि आप उसके साथ कोई अटैचमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपका कोई आपका I-20 हो या कोई भी हो, जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ करता हो कि आपको एमरजेंसी रिक्वेस्ट, आपको एमरजेंसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। ओके, सो आई हैव मेड ऑल द करेक्शंस, ऑल आई हैव कंप्लीटेड दिस फाइल। तो मैंने अटैचमेंट्स भी लगा दी हैं, मैंने इसके जो एक्सप्लेनेशन भी कर दी है और इसका रीजंस भी डाल दिया है। आई हैव फिल्ड दिस फॉर्म करेक्टली। तो इसमें अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू कैन आस्क मी, आई हैव मेंशनड माय व्हाट्सएप नंबर बिलो। तो अभी मेरा ये काम पूरा हो चुका है, तो अभी मैं इसको करने जा रहा हूँ सबमिट। तो जब भी आप इसको सबमिट करोगे, उसके बाद आपको आफ्टर फ्यू डेज यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द एम्बेसी अबाउट द अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ योर एमरजेंसी रिक्वेस्ट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स और ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी खास चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट्स में मैंशन कर दें। थैंक यू।